एक बार तथागत गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक पहाड़ी में से गुजर रहे थे। बरसात का मौसम था। पूरी पहाड़ी हरे भरे पेड़ पौधों से भरी पड़ी थी। पहाड़ी के नीचे एक नदी अपनी कलकल करती आवाज के साथ बह रही थी। कुल मिलाकर पहाड़ी के आसपास का वातावरण बहुत ही मनमोहक प्रतीत हो रहा था। तभी अचानक गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा कि सामने से एक इंसान क्रोध भरी अवस्था में पहाड़ी के शिखर की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी। वह चिल्लाता हुआ आ रहा था, सब नश्वर है, सब झूठ है और सबसे क्रूर है यह जीवन। साथ ही उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। तथागत गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को देखते ही समझ गए कि यह पहाड़ी के शिखर से कूद कर आत्महत्या करने जा रहा है। इसलिए बुद्ध पहाड़ी के शिखर पर ही खड़े रहे। जैसे ही उस व्यक्ति ने पहाड़ी के शिखर से छलांग लगाने की कोशिश की, बुद्ध ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह व्यक्ति जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे, छोड़ो, आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर केवल और केवल मेरा अधिकार है। मैं इसके साथ जो चाहूँगा वो करूँगा। बुद्ध ने कहा, नहीं, सिर्फ तुम्हारा नहीं, उस माता का भी अधिकार है जिसने तुम्हें जन्म दिया, उस पिता का भी अधिकार है जिसने तुम्हारा लालन पालन किया, उस गुरु का भी अधिकार है जिसने तुम्हें शिक्षित किया, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, बहुत लंबी श्रृंखला है जिनकी वजह से तुम आज यहाँ हो, उन सब का तुम्हारे जीवन पर अधिकार है। यह सुन उस व्यक्ति का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ। बुद्ध ने उसे एक पत्थर पर बिठाया और कहा, अगले कुछ क्षणों तक लंबी और गहरी सांसें लो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। व्यक्ति ने अगले कुछ क्षणों तक आँख बंद कर लंबी और गहरी सांसें ली। फिर बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उठो। क्षणिक आवेग था मन का, अब वो शांत हुआ। व्यक्ति ने दुखी मन से आंखों में आंसू भरकर कहा, क्षणिक नहीं, मैं इस नगर के सबसे अमीर व्यापारी का बेटा हूँ। मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, सुख, धन, ऐश्वर्य, काम वासनाओं की पूर्ति, लेकिन वो सब क्षणिक था। जब भी अपने अंदर झांक कर देखा, एक गहन अंधकार ही पाया, बहुत ही गहरी पीड़ा पाई और बहुत ही सूनापन पाया। अब तो इस जीवन से कोई लगाव ही ना रहा, अब तो मुझे इस जीवन को जीने का कोई सार ही नज़र नहीं आता। यह सुन बुद्ध ने कहा, इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वो पूर्ण होगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, परंतु जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है हमारा मन फिर से शून्यपन से भर जाता है। जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तो वो हमारे लिए एक स्वप्न था, जब इच्छा पूर्ण हुई तो अंतर्मन समझ गया कि ये भी एक स्वप्न ही है, एक क्षण भी ना पकड़ सके, और हाथों से फिसल गया। यह सुन उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं है? क्या कुछ भी ऐसा नहीं है जो अविनाशी हो, जो हमसे छूट न सके? बुद्ध ने कहा, है। बाहर के सुखों को भोगने की इच्छा को खत्म करो। बाहर भागते रहने से कुछ नहीं होगा, जीवन से घबरा उससे दूर भागने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपनी जीवन यात्रा अपने अंदर की तरफ मोड़नी होगी, वहीं तुम्हें शांति मिलेगी, ऐसी शांति जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, कौन हैं आप और आप ये सब कैसे जानते हैं? बुद्ध ने कहा, इस जगत के लोग मुझे बुद्ध के नाम से जानते हैं, और अभी जिस मार्ग में तुम भटक रहे हो, बरसों पहले मैं भी उसी मार्ग में बहुत भटका हूँ, लेकिन अब मैं इन सब दुखों से ऊपर उठ चुका हूँ। यह सुन उस व्यक्ति ने बुद्ध की तरफ बड़े ध्यान से देखा। बुद्ध के चेहरे का अद्भुत तेज देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बुद्ध, मैंने आपसे सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। यह सुन बुद्ध ने कहा, इतने समय से मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा था, लेकिन तुम मुझे देख ना सके, क्योंकि तुम्हारी आँखें क्रोध में अंधी होकर हर तरफ केवल अंधकार ही देखना चाहती थी। मनुष्य अपने मन में जैसी चाहे वैसी दुनिया बना सकता है और देख सकता है। व्यक्ति ने कहा, सत्य कहा आपने, आप महात्मा हैं, लेकिन मैं दुखी हूँ अपने अंतर मन से। मेरा नाम यश है, एक धनी व्यापारी घराने में मेरा जन्म हुआ। जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मैंने हर सुख भोगा, अपनी अनंत वासनाओं की पूर्ति करता रहा, पर अंदर ही अंदर मेरा मन घुटता रहा, मैं अंदर से और नीरस होता रहा। अब तो जीवन के प्रति कोई लगाव भी शेष नहीं रह गया, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा,
कितने मनुष्य हैं जो कि शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, धन के अभाव से पीड़ित हैं, अन्याय से पीड़ित हैं, पर उतने ही मनुष्य मानसिक रोगों से भी पीड़ित हैं। बुद्ध ने पहाड़ी के चारों तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो यश, यह दृश्य देखो। उस व्यक्ति ने पहाड़ी के चारों तरफ बड़े ध्यान से देखा। अब तक उसका मन बुद्ध की बातें सुनकर पूरी तरह से शांत हो चुका था। पहाड़ी के चारों तरफ ध्यान से निहारते हुए उसने कहा, वाह, अद्भुत, कितना सुंदर दृश्य है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम कूदने जा रहे थे तो क्यों तुम इस सौंदर्य को नहीं देख सके? व्यक्ति ने कहा, क्योंकि मैं कुछ भी देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं तो केवल अपने ही दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। बुद्ध ने कहा, अभी भी आसपास का वातावरण वैसा ही है जैसा पहले था, यह बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन तुम्हारी आंखें बदल गईं और तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा, क्योंकि अभी तुम शांत हो, स्थिर हो। किसी भी चीज की अति, फिर चाहे वो सुख की ही क्यों न हो, अंततः वह दुख को ही जन्म देती है, इसलिए मध्य में रहो, तो जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। दुख में ना ज़्यादा दुखी हो और सुख में ना ज़्यादा सुखी, हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की कोशिश करो। अगर मेरे बताए इस मार्ग पर चलोगे तो परम शांति पाओगे। बुद्ध के मुंह से ऐसी बातें सुन वह इंसान बुद्ध के पैर पकड़ लेता है और कहता है, क्या आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? बुद्ध ने कहा, तुम इस नगर के सबसे अमीर व्यापारी के बेटे हो, तुमने अपना जीवन बहुत ही संपन्नता के साथ जिया है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें पहले ही बता दूं। हम भिक्षुओं का जीवन सादगी से जुड़ा है, धरती हमारा बिछौना है और जो भिक्षा में मिले वही हमारा भोजन। व्यक्ति ने कहा, जहाँ मेरी चेतना का ही अस्तित्व ना बचे, मैं उस तपस्या के लिए भी तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, हर वो इंसान जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे परम ज्ञान पाने का अधिकार है, बस पहला पग उसे उठाना है। व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बुद्ध, मैं तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम अपना शीश कटवा सकते हो? व्यक्ति ने कहा, मैं अपना शीश देने के लिए भी तैयार हूँ। बुद्ध ने कहा, शीश देने की बात केवल एक प्रतीक मात्र है, शीश देने को वही तैयार होता है जो अपने अहंकार का शीश काट अपने गुरु के चरणों में रख सके। उस व्यक्ति ने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और वह व्यक्ति बुद्ध के शिष्यों के साथ मिल उनके साथ ही आगे बढ़ चला। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।